अप्रैल एंड ऑन 18th of April वी आर गोइंग टू हैव आर एग्जाम्स, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट. आई स्टार्टेड टेकन एन ओवर व्यू कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कोडिंग भी एक बार देख ले रही थी कि कितनी आती है मुझे. लाइक हमारा शेड्यूल ऐसा है ना, लाइक हमारा शेड्यूल ऐसा है ना कि 3 days में आर एग्जाम्स गोना ओवर. लाइक फर्स्ट डे में 2 exam है, सेकेंड डे में 2 exams है, एंड थर्ड डे में 2 exams है. तो ऐसे ओवर हो जाएगा. हमारे सब्जेक्ट्स 5 है एंड द 6 subjects विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज आर लैब. तो वो C#.NET की या न्यूमेरिकल मेथड्स की लैब हो जाएगी हम लोगों की. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट आई लाइक रियली लाइक. दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यू कैन से, आई कैन से, बिकॉज ये मुझे अच्छे से आती है. इसमें मेरे अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं अगर मैं एक रात पहले भी रिवाइज करके जाऊँ तो मुझे उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं. तो मुझे सिर्फ 4 subjects इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ने हैं. स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ अपने फर्स्ट पेपर से, विच इज़ न्यूमेरिकल मेथड्स. टोटली मतलब मैथ्स है उसके अंदर. तो मैं सारे फॉर्मूलेज एक बार नोट डाउन कर ले रही हूँ सो दैट मैं जैसे उन्हें रिवाइज कर पाऊँ. फिर मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है तो मैं जस्ट जाती हूँ और बहुत हल्का सा खाने को बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी खाने को, वरना पढ़ता कौन यार. तो मैं यहाँ पे बेसन का चूल्हा बना ली थी अपने लिए और फिर मैं रूम में लेकर आई एंड फिर मैंने लैपटॉप से PPT देखी और साथ में खा भी रही थी और थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रही थी मैं. बट यार खाने के बाद पढ़ाई किससे होती है. तो पढ़ाई करने से ज़्यादा मैंने पोजेस दिए, खुद को देखा और बस मैं खा रही थी. फिर थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन लगाई, यार आज का हो गया अब कल पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट डे फिर मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए और कल मैं न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ चुकी थी तो आज मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रही हूँ. एंड अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया. एक्चुअली ये मेरा पढ़ने का एक रूल है कि पढ़ने से पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे लिख लो और उसमें से जितने आपको आते हैं उस पर टिक लगा लो, नहीं आते तो स्टार्ट करो और जितना होता जा रहा है उस पर टिक लगाते जाओ. एंड जब मैंने सारे टॉपिक्स लिख लिए ना तब आई स्टार्टेड मिसिंग माई स्कूल डेज. ऐसा लग रहा था कि पूरे साल भर का कोर्स हमें 15 दिन में पढ़ाकर दे दिया गया. बट यार कोर्स तो काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने सोचा जितना हो पा रहा है उतना सॉलिड तरीके से करूँगी. और बीच में मम्मी ने चाय दी थी तो मैंने चाय पी एंड टॉपिक्स भी सारे लिख चुकी थी मैं. जैसे ये आप देख सकते हो यार, ये पूरे मेरे टॉपिक्स थे. तो पहले तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का था, फिर सेकंड था यूनिट वो प्रोसेस मैनेजमेंट का, और थर्ड यूनिट था कुछ सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक का. अब देखो यार ये सारे सारे सुने सुने से टॉपिक है बट एकदम डीप नॉलेज इन सब की नहीं है. तो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना. तो कुछ मैंने अपने नोट्स से पढ़ा और कुछ टॉपिक्स की PPT हमें प्रोवाइड करी गई थी. तो पहले तो मैंने अपने नोट्स से पढ़ लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत PPT से पढ़ा और बाकी जो बच गया वो मैंने भगवान पर छोड़ दिया. जैसे जैसे मैं एक एक पेज पलटती जा रही थी पीछे क्या लिखा हुआ था वो सब कुछ भूलती जा रही थी. मतलब ये तो आई एम डैम श्योर कि मेरे साथ नहीं और बहुत से बच्चों के साथ ये होता होगा. फाइनली इट्स द डे फॉर द एग्जाम एंड इट वेंट वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.